बोले पूज्यपाद जगत गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर 1008 स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। बोले गौ माता की। सकल संत समाज की। श्री राम जय प्रांगण में हमारे पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी के संरक्षण में गौ सभा का आयोजन हो रहा है, जिसमें गौ प्रतिष्ठा आंदोलन की शुरुआत 20 तारीख को रामलीला मैदान में दिल्ली में हुई थी, जिसमें स्वामी जी की उद्घोषणा के साथ हम सभी को गौ माता राष्ट्र माता का संदेश जो कि पूर्ण रूप से हम सभी के जीवन में उतारने के लिए अग्रसर है। हम आज सकल संत समाज के सामने जहां स्वामी जी के संरक्षण में महामंडलेश्वर श्री अवध बिहारी दास जी, उनका स्वागत वंदन करता हूं। दिल्ली से पधारे हुए हमारे श्री हर्षानंद जी महाराज, हमारे वैष्णव सकल परिवार से रामदास जी, संतों की लिस्ट बहुत लंबी है और क्रम जो है वो सभा का नहीं वार्ता का है, इसलिए मैं दिल्ली से आए हमारे गोपाल मणि जी से चाहता हूं कि वह आकर इस मंचीय संचालन का संरक्षण करें और हम सभी को गौ सभा के लिए अग्रिम। विकास पाटनी जी दिल्ली से आए हुए हैं, स्वामी जी के आदेश से वो आए और हमारे सभी सकल समाज के समक्ष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को गति। पराम्बा माँ भगवती कामधेनु के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम है। पवित्र काशी नगरी के इस पावन गंगा जी के तट में और जहाँ स्वयं विश्वनाथ भगवान शंकर विराजित हों और परम पूज्य शंकराचार्य जी की सादर उपस्थिति हमारे मध्य में है और परम पूज्य हमारे पूज्य गुरुदेव का आज यहाँ स्वयं उत्तराखंड से पदार्पण यहाँ पर हुआ है और समस्त जितना हमारा यहाँ पे संत समाज है सभी के चरणों में कोटि कोटि पहले तो वंदन है कि आज हम एक पवित्र पुण्य काज के लिए नहीं अपितु इस देश की जो आत्मा का विषय है उसको करने के लिए आज काशी की इस नगरी पर भगवान शंकर जी की कृपा से इकट्ठा हुए हैं। आज का जो ये पूरा स्वरूप है जगतगुरु शंकराचार्य परंपरा के अनुसार जो निर्देशन हमें दिया गया है और गोपाष्टमी 20 नवंबर को जैसे आपको पता है कि देश के अंदर पे ये स्थापित सत्य के तौर पर अंकित कर दिया गया कि पूज्य शंकराचार्यों जी के आशीर्वाद से इस देश की जो राष्ट्र माता है वो गौ माता है और ये धर्म सत्ता ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया था। इसी रूप में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का ये विशेष सत्र रखा गया है, गोष्ठी रखी गई है यहाँ पर, जिसका पूरा हेतु आने वाले समय पर, क्योंकि 15 दिन का जो समय दिया गया था सरकार को और पूज्य शंकराचार्य जी ने और समस्त जो वहां पर उपस्थित साधु संत थे उसमें एक चीज पारित हो गई थी कि हम 15 दिन का समय देते हैं सरकार को कि वो गोमाता को राष्ट्र माता का सम्मान के इस पक्ष पर कहां पर खड़े हैं ये बताएं, अन्यथा इस देश में इस क्रांति को गोमाता राष्ट्र माता की इस लहर को और आगे बढ़ाया जाएगा और उसी क्रम को लेते हुए आज हम काशी में उपस्थित हुए हैं और देश के अंदर पे एक जो लहर बनी है कि देश में गाय को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए कि उसे गलती से भी हम पशु ना समझें, आगे इस तत्व को प्रत्येक जगह तक, प्रत्येक गांव तक ले आने की जरूरत है, प्रत्येक जिले तक ले आने की जरूरत है, प्रत्येक राज्य तक ले आने की जरूरत है और जैसा परम पूज्य शंकराचार्य जी ने कहा था कि हम किस देश में प्रत्येक ग्राम में जाकर इस चीज का उद्घोष करें कि हमारे गांव की जो माता है वो गौ माता है, हमारे जिले की माता जो है वो गौ माता है और हमारे जो प्रदेश की माता है जो गौ माता है और इस देश की जो राष्ट्र माता है गौ माता है और इस देश में यदि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा हो जैसे परम पूज्य शंकराचार्य जी ने पूरे सनातनी समाज को एक
डंके की चोट में इस बात को कहा है कि अगर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा हो तो पहले हम ये सोचें कि अमृत देने वाली गौ माता की यदि प्रतिष्ठा नहीं की जा रही है, उसको रात्र माता का सम्मान नहीं दिया जा रहा है, और अगर उसकी बहुत क्या निरंतर चालू है तो आखिर कैसा ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इसी रूप में इस चर्चा के क्रम में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, और एक चीज अपने आपके बीच में रखते हुए मैं इस पूरी जो आज की जो हमारी गोष्ठीय सभा इसको आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर होऊंगा कि देश में राष्ट्रमाता की प्रासंगिकता क्यों आवश्यक है, ये समझना बहुत जरूरी है कि गाय क्यों राष्ट्र पशु नहीं हो सकती, गाय क्यों कोई राष्ट्र धरोहर नहीं हो सकती, गाय क्यों इस देश के अंदर पे अन्य किसी भी तरह के कोई भी पद उसको दे दीजिए उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला, और इस देश में अगर गोहत्याबंदी कानून भी बना दिया जाए तो भी उससे लाभ नहीं होता बल्कि उससे दुष्प्रभाव निकल कर आते हैं। जैसे सड़कों में आपको गाय दिख रही है, खेतों में आज गाय दिखती जा रही है, क्योंकि उसके लिए पूरी तरह से एक समग्र व्यवस्था एक समग्र प्रोटोकॉल नहीं बनाया गया। इसी तरह पर अगर गौ को राष्ट्रमाता का सम्मान मिल जाएगा तो इस देश में अगर माँ का सम्मान उसे मिल गया तो उसको पशु की दृष्टि से हटाकर उसमें कम से कम माँ की दृष्टि लगेगी, मतलब 302 की धारा जो एक मनुष्य हत्या के बराबर गौ की हत्या को देखा जाएगा, और वो सामान्य धारा नहीं है। और अगर वो राष्ट्र की माता बन जाए तो सोचिए प्रोटोकॉल कितना भारी हो जाता है। परम पूज्य हमारे गुरुदेव ने इस देश में भी ये निश्चय किया कि केवल गौहत्याबंदी समाधान नहीं, गौ माता की दुर्गति को भी हमें बंद करना पड़ेगा, जो खत्तों में मुंह मार रही है, कचड़े घरों में दिखती जा रही है। इस क्रम में आज देश के अंदर पे अगर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलता है तो जितनी हमारी गैया हैं कोई भी सड़क में नजर नहीं आएगी, कोई गौ माता की हत्या करना तो दूर की बात है, उसे डंडा तक नहीं मार सकता। और इससे बड़ी बात अभी गौ माता शरीर छोड़ देती है तो तिरंगे में लपेट कर, भगवे में लपेट कर उसका सम्मान किया जाएगा। गाय को प्रतिष्ठा का जो सर्वोच्च सम्मान है वो केवल राष्ट्र माता की परिधि दिला सकती है। यही चीज उसकी प्रासंगिकता, इसी को लेते हम आगे बढ़ेंगे। और अगले क्रम में मैं सीधे लेकर चलने वाला हूं हमारे आदरणीय के पास, जो मंच संचालन भी करेंगे और जिस तरह से जो भी विषय यहाँ पे रखने हैं उन विषयों को रखते चलेंगे। जिन भी महानुभावों को बुलाएंगे उनका सादर वंदन और अभिनंदन होगा। प्रणाम, बोलिए गौ माता की। बोलिए गौ माता की। अनंत श्री विभूषित पूज्यता जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज की, सनातन धर्म की, समस्त संत महात्माओं की, समस्त गौ भक्तों की, ओम नमः पार्वती पते हर हर। मां, सबसे पहले अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद ज्योतिषपीठ शंकराचार्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और सभी संत महात्माओं को वंदन करते हुए सभी उपस्थित गौ भक्तों का स्वागत करते हुए आज हम लोग यहाँ पर जो महाराज जी के श्रीमुख से 20 नवंबर गोपाष्टमी को दिल्ली के रामलीला मैदान में जो शब्द प्रकट हुए, जो शब्द निकले, उनको आगे कैसे हम चरितार्थ करेंगे, इस विषय में ये संगोष्ठी है। और जो स्वामी जी ने उद्घोषित किया कि भूमि पर जब भार होता है, पृथ्वी पर जब भार होता है, तब वो पृथ्वी उस भार को जब सहन नहीं कर पाती है तब वो पृथ्वी भारत माता यानी गौ माता बनकर के प्रकट होती है। ये हमारे वेद शास्त्र उपनिषद, और सबसे आनंद का विषय ये है कि आज वह दिव्य विभूति हमको प्राप्त हो गई है जिन्होंने जो सनातन धर्म का मूल विषय है उसको उठा लिया है, क्योंकि इस देश के लोग तैयार है। जैसे अयोध्या के लोग राम जी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन राम जी उन्हें रात को सोते हुए छोड़ के चले गए। बाद में जब भरत जी आए तो सबकी वो जो भगवान के प्रति प्रीत थी, प्रेम था, भक्ति थी, वो जागृत हो गई और सब
भरत जी के साथ चित्रकूट चले गए। तो आज ऐसा ही सुअवसर हमको मिल गया है एक छोटी सी उपनिषद की, उसको घटना समझ लीजिए कि एक नचिकेता है और उसके पिताजी गौओं का दान कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं कि जो दूध देने वाली गौएं हैं उनको भीतर रख रहे हैं और जो दूध नहीं देती हैं उनका दान कर रहे हैं। तो नचिकेता को अपने पिता की इस क्रिया पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने पिता को हस्तक्षेप कर दिया, टोक दिया बीच में कि आप ये क्या कर रहे हैं, भी दान करना है तो उन गायों का करो जो पुष्ट हैं, दूध दे रही हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो पिता को क्रोध आ गया और क्रोध आकर के उन्होंने कहा कि दान तो मैं तेरा करता हूं, ये क्रोध में बोला। लेकिन वो छोटा सा बालक है, बालक सरल होते हैं, तो कहा पिताश्री मेरा दान आप किसको करें। तो पिता ने फिर क्रोध में कहा कि तेरा दान मैं यमराज को करूंगा, यानी मृत्यु के देवता को करूंगा, क्रोध में व्यक्ति होता ही है। लेकिन उस बालक ने पिता के क्रोध में बोले हुए शब्द भी यथार्थ में ले लिए, ठीक है मेरे पिता ने मुझे यमराज को दे दिया, अब वो यमराज की ढूंढ में चल पड़ा। हमारे उपनिषद वेद पुराण इनको समझना इतना आसान नहीं है, ये लक्षणा व्यंजना अभिधा कौन सी शक्ति का कहां पर प्रयोग हो रहा है, उन शक्तियों का प्रयोग है हमारे वेदों से लेकर के और पुराणों तक धर्म शास्त्रों में। तो वह चल पड़ा तो उस बालक को लगा कि हमारे यहां भगवान का दर्शन तो नहीं होता लेकिन उसके वाहन का तो प्रत्यक्ष दर्शन होता है, शिव जी के दर्शन बहुत साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन वृषभ के दर्शन तो सामान्यतया हो जाते हैं। तो उसको लगा कि यमराज को मेरे पिता ने मुझे दे दिया है तो मुझे भैंस के पीछे खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि यमराज का वाहन भैंस है। तो वो भैंस के पीछे खड़ा होकर के लगभग 5 दिन तक वही रहता है एक छोटा सा बालक, तब उसके सामने मृत्यु आती है, यानी मृत्यु का देवता यमराज आता है। जब मृत्यु का देवता यमराज प्रकट होता है और यमराज कहता है भाई मैं मृत्यु का देवता हूं, तो भाई यमराज भी तो देवता है, देवता जो बोला होगा तो उसको नई स्फूर्ति मिल गई, नई प्राण शक्ति मिल गई, नया जीवन मिल गया, तो स्वस्थ हो गया, ऐसा लगा जैसे अभी अभी ये घर से आया होगा वो बालक। तो उस बालक ने यमराज से प्रश्न किया कि आप कौन है, बोला मैं मृत्यु का देवता। बोला ये मृत्यु क्या होती है, क्योंकि तू बालक उसको क्या पता मृत्यु क्या होती है। तो फिर यमराज जी को बोलना पड़ा कि भाई शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा अजर है अमर है। तो फिर वो बालक कहता कि आत्मा क्या है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि शरीर ही हूं, शरीर ही है, ये आत्मा क्या है। तो अब यमराज को लगा कि अब इसको कैसे समझाऊं, क्योंकि ये अबोध है, बालक है, बालक को बालक की भाषा में समझाना पड़ेगा, कैसे समझाएं। तो यमराज ने कहा कि बेटा आत्मा को अगर समझना है तो आत्मा शब्द को उल्टा कर दे, क्योंकि बालक को समझाना है तो बालक की विधि से समझाएंगे, तो आत्मा शब्द को अगर हम उल्टा कर दें तो क्या बनेगा। बहुत जोर से बोलिए थोड़ा, तो वो माता कोई और नहीं जिसे हमारे महाराज हमें समझा रहे हैं, वो माता गौ माता है। जिस दिन ये देश गौ माता को समझ जाएगा, जिस दिन ये देश गौ माता को, इसलिए हमारे वेदों ने गौ माता को समझने की बात कही है, जानने की बात कही है। लोग व्यवहार में भी बोलते हैं कि भगवान की भगवान को
जानिए सेवा तो करती है वही, तुम तो केवल जानिए जानिए। तो कुल मिलाकर के ये छोटा सा दृष्टांत मैंने इसलिए आप लोगों के सामने रखा कि अब हम धर्म को भी प्राप्त करेंगे, अर्थ भी प्राप्त होगा, कामना भी पूरी होगी और मुक्ति भी मिलेगी, बैतरणी नदी भी गौ माता ही पार करेगी। और ये दिव्य उपदेश, ये आदेश पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी का हमको मिल रहा है और आपके निर्देशन में हम वो सब करेंगे जो आप हमको निर्देश देंगे। इसी के लिए हमको महाराज जी ने इस बार आदेश नहीं दिया कि तुम भी आओगे, लेकिन मुझे जैसे विकास जी ने कहा कि ऐसा हो रहा है तो हमने कहा हम जाएंगे। तो उत्तराखंड से, उत्तरकाशी जनपद से, फिर देहरादून, फिर देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से फिर यहाँ अपने वाहन के माध्यम से। तो आज की जो प्रेस विज्ञप्ति है उसे हम आपके सामने रख रहे हैं महाराज जी के आज्ञा से। गौ माता की करुण पुकार सुने देश की हर सरकार, जगत गुरु शंकराचार्य जी। गाय भारतीय संस्कृति की आत्मा है, महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 145 के अनुसार सृष्टि की रचना के इच्छुक ब्रह्मा जी ने सबसे पहले गौ माता का निर्माण किया था ताकि उनकी सृष्टि का पोषण हो सके। पोषण के अपने इसी गुण से गाय विश्व माता कहलाई। इसे वेदों और पुराणों में अहन्या अवध्या कहा गया, पर दुर्भाग्य से इस समय विश्व में सबको पालन पोषण करने वाली को काटने और खाने का चलन हो रहा है, जो कि भारतीय कृतज्ञ संस्कृति पर कलंक की तरह है। पूर्व काल में राजा परीक्षित के सामने कलयुग ने डंडे से गौ को मारना चाहा था, तब वे उसे मृत्यु दंड दे रहे थे और आज के राजा गाय को काटते और करुण पुकार करते हुए देखकर भी कैसे चुप रह सकते हैं। गौ माता की इसी करुण पुकार को सरकार के सामने, सरकार के सुनाने और सरकार द्वारा गौ व्यथा को दूर कर उन्हें अभय और प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी गौ प्रतिष्ठा आंदोलन आरंभ हुआ है, जिसको देश के चारों पीठों के पूज्य शंकराचार्यों एवं अन्य विशिष्ट धर्माचार्यों के साथ साथ कुछ प्रदेशों की विधान सभाओं का भी सहयोग मिल रहा है। गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत आज दिनांक 12 दिसंबर 2023 को श्री काशी वाराणसी से भारत के सभी प्रदेशों के लिए गौ दूतों की नियुक्ति की जा रही है। ये गौ दूत संत उन उन प्रदेशों के गौ भक्तों से मिलकर आंदोलन को गति प्रदान करेंगे। दिनांक 4 जनवरी 2024 को वृंदावन में सभी प्रदेशों के गौ भक्तों की एक विशेष गौ सभा आयोजित होगी, जिसमें आंदोलन के विविध पहलुओं को स्पष्टता देते हुए कमर कसी जाएगी। दिनांक 15 जनवरी से 23 जनवरी 2024 तक 9 दिनों में दिल्ली में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के लिए 9 विशेषज्ञ समूहों की बैठक आयोजित की जाएगी। ये समूह निम्नलिखित हैं: गौ धर्म विशेषज्ञ, गौ आर्थिकी विशेषज्ञ, गौ कानून विशेषज्ञ, गौ विज्ञान विशेषज्ञ, गौ राजनीति विशेषज्ञ, गौ संगठन विशेषज्ञ, गौ मीडिया विशेषज्ञ, गौ प्लेसमेंट विशेषज्ञ, गौ व्यवहार विशेषज्ञ यानी धन समिति। यदि काम नहीं हुआ तो दिनांक 30 जनवरी 2024 को विशेषज्ञों से प्राप्त आंकड़ों निष्कर्षों के साथ गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के लोगों को प्रतिनिधिमंडल देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे। यदि फिर भी काम नहीं बना तो दिनांक 6 फरवरी 2024 को प्रयाग में बृहद गौ संसद का आंदोलन होगा, जिसमें देश की
सभी संसदीय क्षेत्रों से एक गौ प्रतिनिधि मनोनीत होकर सम्मिलित होगा और देश की जनता की ओर से प्रस्ताव पारित होगा करेगा। यदि फिर भी काम नहीं बना तो दिनांक 10 मार्च 2024 को पूरे देश से दिल्ली में गौ भक्त एकत्रित होंगे और दिनांक 6 फरवरी 2024 की गौ संसद से पारित प्रस्तावों के अनुरूप कार्य करते हुए गौ माता को राष्ट्र माता की प्रतिष्ठा दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। विद्वान संतों द्वारा यह पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि नव संवत्सर गौ संवत्सर होगा। बोलिए गौ माता की। दिनांक 12 दिसंबर 2023 स्थान श्री काशी वाराणसी। बोलिए पूज्य बाद जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की। हर 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 हर। समवेत आदरणीय पत्रकार बंधु, जैसा कि आप देख और सुन रहे हैं कि देश के प्रतिष्ठित संत आचार्य यहाँ पर विराजमान हैं और गौ माता की हत्या का जो कलंक 100 करोड़ से अधिक हम सनातन धर्मियों के माथे पर आजादी के बाद से निरंतर हमको पीड़ित कर रहा है, उसको धो देने के लिए, समाप्त कर देने के लिए कटिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। आज आप लोगों को जानकारी होगी भी, संक्षेप में हम बता देना चाहेंगे कि आजादी के पहले से ही गौ रक्षा की बात अपने देश में चल रही है। आजादी के पहले देश में जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे उनके बारे में इतिहास हम लोगों ने पढ़ा है, वो लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित करते थे। लोग कहते थे कि क्या जरूरत है इसकी, स्वतंत्रता की, कौन रिप हो वही हमें कहानी, भारत की जनता तो ऐसी है कि कौन राजा हो इससे हमें क्या लेना देना है, हमें तो अपना काम करना है। तो लोग कहते थे हमें क्या, हम क्यों अंग्रेजों को भगाएं और क्यों भारत को आजाद कराएं। तो उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यही कहते थे जनता से कि गाय की हत्या अंग्रेज कर रहे हैं, इसीलिए अंग्रेजों को भगाना जरूरी है ताकि गौ हत्या का कलंक हमारे माथे न रहे, हम गौ हत्या के पाप से बच जाएं। इतना ही नहीं, इतिहास है, आप लोग अध्ययन करेंगे तो आपके सामने बात आएगी कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी अधिवेशन सम्मेलन होते थे उन सब में गौ रक्षा सम्मेलन अवश्य होता था। गौ रक्षा एक ऐसा विषय था जिस विषय के कारण पूरा देश इकट्ठा हुआ, लोगों ने बलिदान किए और देश आजाद हुआ। प्रसिद्ध है ये घटना कि जब बलिया के रहने वाले मंगल पांडे को मेरठ की छावनी में अंग्रेज अधिकारी के द्वारा कहा गया कि कारतूस खोलो, तो वो कारतूस मुंह से खोलनी पड़ती थी और उसमें गाय की चर्बी थी। मंगल पांडे ने कह दिया कि गाय की चर्बी मैं मुख से नहीं लगा सकता, इसलिए मैं आपके इस आदेश का पालन नहीं कर पाऊं। उन्होंने कहा तुम सेवा के कानूनों से बने हुए हो, तुम हमारे नौकर हो, जो हम कहेंगे करना पड़ेगा। उसने कहा नहीं करता, और यहीं से 1857 की क्रांति शुरू होती। वहां पर भी मूल में गाय है, गाय की बात है। तो ये देश आज स्वतंत्र हुआ है तो गौ माता के कारण हुआ है, गौ भक्ति इसके मूल में। इसलिए गौ रक्षा की जो बात है ये आजादी के पहले से चल रही थी, लेकिन आजादी के मिलने के बाद इस बात को पीछे कर दिया गया। आप लोगों को इस बात का भी स्मरण है कि जब 2-3 साल बीत गए गौ रक्षा के बारे में पक्का कानून केंद्र की सरकार ने घोषित नहीं किया, तो देश के सभी संतों ने मिलकर के, सभी सनातन धर्मी संस्थाओं ने मिलकर के सर्वदलीय गौ रक्षा महाभियान समिति का निर्माण किया और आपकी काशी के धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया। पूरे देश में
जगह जगह आंदोलन हुए और फिर सब लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर के ईस्वी सन 1966 में संसद के पास पहुंचे और उनको ये आशा थी कि इतनी बड़ी संख्या में हम आए हैं, देश की जनभावना को हम प्रदर्शित कर रहे हैं, हमारी संसद हमारी भावनाओं को समझ करके गौ हत्या बंदी का कानून पारित कर देगी। लेकिन उनके साथ जनता के साथ धोखा हुआ, गोलियां बरसाई गई, जाने कितने लोग मरे और गौ रक्षा के आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया गया। उसके बाद से कई बार देश की जनता गौ रक्षा के लिए खड़ी हुई लेकिन हर बार कभी उसको डरा करके, कभी उसको धमका करके, कभी बाला करके, कभी घुसला करके, कभी कुछ कह करके 75 साल बिता दिए गए बंधु। और जो मूल मांग थी जिसके कारण भारत देश आजाद हुआ था, उस मूल मांग को आज तक पूरा नहीं किया गया। अब तो हद हो गई कि बेशर्मी की, निर्लज्जता की, कि गौ को मारते हुए हमारे देश के लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, नारा दे रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। ये कैसे मनाया जा सकता है भारत की आजादी का अमृत महोत्सव गौ की प्रतिष्ठा करके ही मनाया जा सकता है, अन्यथा ये निर्लज्जता पूर्ण महोत्सव माना जाएगा। तो हम लोगों को लगा कि अब अति हो रही है, अब तो गौ रक्षा के लिए कमर कस लेनी पड़ेगी। अगर अमृत महोत्सव ही निकल गया फिर तो बात दूसरी हो जाएगी। तो इसीलिए देश के संत महंतों ने बार बार ये विचार किया, लेकिन कौन आगे बढ़े, कैसे बात आगे हो, इस बारे में चिंतन चलता रहा। उत्तराखंड के हमारे लोकांति दूत श्री गोपाल मणि जी इस कार्य के लिए आ गया, उन्होंने लोकांति दल का गठन किया, बहुत सारे लोगों को जोड़ा, पूरे भारत की यात्रा की और फिर उन्होंने कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान और अभयदान देने के लिए हमको आंदोलन चलाना है। तो गौ प्रतिष्ठा आंदोलन शुरू किया गया। पिछली अंग्रेजी तारीख की 20 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान से इन्होंने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन आरंभ किया। आरंभ करने के पहले देश के सभी संतों महंतों और धर्माचार्यों से इन्होंने मुलाकात की, इनके लोगों ने मुलाकात की। इसी क्रम में चारों शंकराचार्यों के पास किए गए और सभी चारों शंकराचार्यों ने बड़ी प्रसन्नता से इनके इस आंदोलन को समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और पत्र दिए समर्थन के, वीडियो में रिकॉर्डिंग करके अपना प्रवचन दिया और फिर हमने भी ये किया। लेकिन इनका अनुरोध था कि दिल्ली आपके क्षेत्र में है, उत्तर भारत में है, उत्तर भारत में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में आप स्वयं पधारिए। तो हमने अपने कार्यक्रम निरस्त कर किए और वहां पर हम गए 20 नवंबर को, इनके आंदोलन में हमने भाग लिया और इनको सब तरह से समर्थन देने का तन से मन से धन से जीवन से वायदा किया। और उसी क्रम में हम निरंतर प्रतिदिन लगभग टेलीफोन करके इनसे पूछ लेते हैं कि भाई अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तभी हमने देखा कि इनको और भी बल देने की आवश्यकता है, इसीलिए फिर हमने संतों से अनुरोध किया कि जिम्मेदारियां बांटी जाएं, क्योंकि एक व्यक्ति कितना आखिर उठाएगा। तो फिर जो अपने देश के 37 प्रदेश हैं, इन 37 प्रदेशों में 37 संतों को जिम्मेदारी दे दी जाए, एक एक प्रदेश की जिम्मेदारी एक एक संत इस मामले की देखने लगे तो अच्छा हो जाए, ऐसा सोच करके हमने संतों से अनुरोध किया। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमने 37 नाम चाहे थे, अभी ज्यादा नहीं चाहे थे कि 37 लोग खड़े हो जाएं कि हम एक एक प्रदेश में गौ रक्षा की बात को संभालेंगे, लेकिन हमारे पास 37 की जगह लगभग 60 नाम आ गए। और संतों ने कहा कि हम इस कार्य के लिए आगे आए हैं, तो आज 37 प्रदेशों की सूची हमारे पास आ गई है। किसी प्रदेश में एक, किसी में दो, किसी में तीन बड़े प्रदेश हैं, तो वहां पर हमने इनको जिम्मेदारियां दे दी हैं, ये उनके नाम और प्रदेशों के नाम की सूची हमारे साथ है। तो आज यही एक प्रमुख कार्य है कि आज 37 प्रदेशों के 37 गौ दूत
यहाँ से निकल रहे हैं, अभी आगे वहां के लोगों से संपर्क करके उन उन प्रदेशों में, जिन जिन प्रदेशों में इन्होंने दायित्व लिए हैं, उन उन प्रदेशों में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जैसा कि अभी गोपाल मणि जी के द्वारा आपने सुना कि आगे के भी कार्यक्रम हम लोगों ने कह दिए हैं, आपके पास विज्ञप्ति में वो व्यवस्था भी चली गई है। फरवरी में हम लोग गौ संसद करेंगे और देश की सभी संसदीय सीटों से एक संत, जो गौ सांसद कहा जाएगा हमारे संसद के लिए, वो गौ सांसद बन करके वहां बैठेगा, अपने पूरे संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा, संसद में भाग लेने के पहले अपने क्षेत्र में लोगों को जोड़ करके उनका मनोभाव लेकर के आएगा और प्रस्ताव पारित होगा, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, जिम्मेदार सभी लोगों को सौंपा जाएगा। जितने पक्ष इसमें विशेष करके जुड़ते हैं उन सब विशेषज्ञों की भी बैठक दिल्ली में हम लोग जनवरी महीने में करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो जितना भी आगे जाना पड़ेगा ये सब संत महंत गौ भक्त इसके लिए तैयार हैं, सबने हमको आश्वासन दिया है। हम तो केवल इनका मतलब जैसे हमारे सामने लाउड स्पीकर है सुना दे रहा है आपको हमारी बात, ऐसे इन संतों की बात एक प्रवक्ता की तरह से हम आपको सुना रहे हैं। वास्तव में यह आंदोलन संतों का है, वास्तव में यह आंदोलन गौ भक्तों का है, वास्तव में आनंद आंदोलन जो भी भारतीय संस्कृति में निष्ठा आस्था रखता है, हिंदू धर्म को मानता है, वेद पुराणों में आस्था रखता है, उन सब का है। क्यों? क्योंकि हमारा वेद कहता है गावो विश्व से मात्र, गाय विश्व की माता है। हमारा पुराण कहता है मातर सर्वभूता नाम गाव सर्व सुखावहार, हमारे अनेक दूसरे शास्त्र कहते हैं, हमारे जो नेता हैं आजादी के समय के पुराने पुराने सबकी जीवनी में आप पढ़िए, सबने गाय की प्रशंसा की है, महात्मा गांधी ने गाय के लिए कहा है और दूसरे लोगों ने कहा है और अभी राम जन्मभूमि का उद्घाटन होने जा रहा है, वहां पर सुनते हैं कि प्रतिष्ठा होने वाली है। अशोक सिंघल जो इस आंदोलन के नायक थे उनका भाषण हमने सुना है किन्हीं लोगों के माध्यम से, अशोक सिंघल जी ने यह कहा था कि गाय का जो काम है वो राम जन्मभूमि के काम से 1000 गुना श्रेष्ठ है। सब इस बात को मानते हैं कि गाय नहीं काटी जानी चाहिए, गाय का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन बंधु ये हो रहा है और ये हम करोड़ों सनातन धर्मियों के लिए बहुत बड़ा कलंक है और अब आजादी के अमृत महोत्सव में हम लोगों को इसके लिए खड़े होना ही पड़ेगा। काम छोड़ना पड़ा तो सब काम छोड़ना ही पड़ेगा और गौ माता को राष्ट्र माता की प्रतिष्ठा दिलानी पड़ेगी। ये राष्ट्र माता की मांग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको विश्व माता, जो हमारे वेद में कहा है कि गाय विश्व माता है, तो हमको विश्व माता के पद पर पुनः प्रतिष्ठित करना है। लेकिन हम जब किसी देश में जाएंगे कि आप अपने देश की माता इनको कहिए तो कहेंगे कि आपके देश, जिस देश से आप आए हो क्या उस देश ने कह दिया? तो हमारे पास समस्या है, हम गौ को विश्व माता कहना चाहते हैं, राष्ट्र माता तो छोटा उसके लिए शब्द है, लेकिन विश्व माता कहने के लिए पहले राष्ट्र माता कहेंगे तभी हमको कहने का हक मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। तो विश्व माता, गौ को विश्व माता का दर्जा देने के लिए राष्ट्र माता कहकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं और ये करेंगे। गाय इसीलिए काटी जा रही है क्योंकि उसको पशु माना जाता है और भारत में पशु को काटने के लिए कानून, तो जब वो पशु की सीमा से बाहर हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि उसकी हत्या भी रुकेगी, इसीलिए ये मांग हम लोग कर रहे हैं और अब कृत संकल्प है। इससे पहले कई प्रयास किए लेकिन फिर थोड़े देर में विरत हो जाते थे, अब की बार हम लोग चाहते हैं कि इस प्रयास को आगे करें ताकि ये कलंक सदा सदा के लिए मिट जाए। ये मूल जो बात थी वो आपको हमने बता दी। बंधुओं, पत्रकार बंधुओं से व्यक्तिगत अनुरोध भी हम करना चाहते हैं, हम जैसे सबको जोड़ रहे हैं, संतों को जो गौ गाय के लिए ज्यादा भावना रखता है, जैसे उद्योगपति को, व्यापारी को, जैसे आम गौ सेवक को, उसी तरह से हम ये चाहते हैं कि जिन पत्रकारों के मन में गौ की विशेष भावना हो वो अपनी कलम के माध्यम से
इस आंदोलन का साथ दें। ये व्यक्तिगत अनुरोध भी आपसे करते हुए हम यहीं पर रुक रहे हैं। जो आप रोज कहो के संदर्भ में पूछेंगे वो हम जरूर बताना चाहेंगे अपनी समझ के अनुसार। संतगण भी हैं यहाँ पर, उनसे भी आप चर्चा कर सकते हैं। और दूसरा विषय न लें, अच्छा होगा, क्योंकि गौ का मामला बड़ा मामला है, इधर उधर में फिर बात दूसरी हो जाती है। रुक जाओ भैया, पूछ लेते हैं। हाँ, तो सत्ता हमेशा राज सत्ता से ऊपर रही है सनातन काल से, लेकिन ये जो प्रजातंत्र आया, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ फूल, ये मूर्खों का शासन कहा जाता है। यहाँ पर कर्पात्री जी ने जब आंदोलन चलाया था देश भर के संत तो उसको मूर्खों का शासन है। अभी आप जो सांसद करने जा रहे हैं और जो सांसद क्षेत्र से प्रत्येक व्यक्ति को आप निर्धारित कर रहे हैं, क्या उनको आप सांसद में प्रतिनिधि करने लायक बनाएंगे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। आप बहुत सूक्ष्म ढंग से सोचते हैं, इससे पता चलता है। बात यह है कि जब अन्ना का आंदोलन हुआ था दिल्ली में, तो वो कहते थे कि भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। फिर उनसे बात करने के लिए जब राजनीतिक दलों के लोग गए, सत्ता या विपक्ष वाले, तो वो कहते थे हमको जनता वोट देके चुनी है, आप कौन होते हो, आप कौन होते हो। तो हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखने की आदत अपने देश में पड़ती चली जा रही है। तो गाय के मामले को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि गाय का भी वोट तय हो, गौ संसद जो हम बुलाएंगे उसमें हमारे संत आएंगे, तो हम उनको शिक्षण देंगे, प्रशिक्षण देंगे, उनको नेतृत्व करने के लिए आगे करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने संसदीय क्षेत्र में नामांकन करके खड़े भी होंगे और गाय के वोट लेंगे, ताकि पता चले कि गाय के भी कुछ वोट होते हैं। तब राजनीतिक लोगों को ध्यान आएगा कि गाय भी एक मसला है। अभी की स्थिति यह है बंधु कि राजनीति के हमारे देश के गाय के मुद्दे को मुद्दा ही नहीं समझ रहे। तो जब वो वोट से जुड़ेगा तब शायद उनको यह पता चलेगा कि गाय भी एक मुद्दा है, इसलिए गाय के वोट गिने जाने चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। और उस दिशा में हम अपने संतों को तैयार करें। अभी चूहे को मारने पे हत्या का केस दर्ज होगा और गाय को मारने पर इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है, जबकि आईपीसी के तहत वो भी जंतु है, ये भी जंतु, ठीक है ना? हमारे उत्तर प्रदेश की घटना है। हाँ, तो अब यही तो सब हो रहा है। आपने पहले कह दिया कि डेमोक्रेसी इज, जो भी आपने कहा, जो भी आपने कहा, हम वो नहीं कहना चाह रहे थे अपने मुंह से, आपकी बात को दोहरा करके वही बात हम कह रहे हैं। तो ये हो रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा, शंकराचार्य का, एक बहुत बड़े विशेषज्ञ विद्वान का वोट उतना ही रहता है जितना एक मवाली और बवाली का, लेकिन कम से कम विशेषज्ञों की बात को सुना जाना चाहिए। भारत की जो भावना है उसको प्रतिबिंबित होना चाहिए हमारे देश की संसद और सरकार के कार्यों में।